हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रॉक गार्डनिंग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए ये प्लांट लेकर के आई हूँ और इस प्लांट के बारे में हमने पहले भी बात किया हुआ है, लेकिन आज मैं आप सबके लिए एक अपडेट लेकर के आई हूँ। पर उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे जो भी वीडियोज़ आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स, जो अपडेट मैं आप सबके लेके आई हूँ वो ये है। ये आपको शायद ध्यान में आ रहा होगा कि ये हरश्रृंगार का पौधा है। हरश्रृंगार का एक पेड़ हो जाता है, लेकिन मैंने इसे अब पहले वाले आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने इसे छोटे गमले में लगाया हुआ है। अब मैंने इसे अभी फरवरी में रिपोर्टिंग की है और मैंने इसे 14 इंच के गमले में ट्रांसफ़र कर दिया है, और उसी की वजह से थोड़े इसके लीव्स भी चले गए, जो लीव झड़ गए हैं, लेकिन इसमें बर्ड्स आना शुरू हो गई हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके बर्ड्स आ रहे हैं। और मैंने बस वही रेगुलरली फॉलो किया है, महीने में एक बार। बहुत हार्डी प्लांट ही, जल्दी सूखता नहीं है। महीने में एक बार मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट डालती हूँ और हर 10 दिन में गुड़ाई अच्छे से करती हूँ और इसमें मस्टर्ड केक वाला फर्टिलाइज़र डालती हूँ। तो बस यही अपडेट मैं लेकर आई थी फ्रेंड्स आप सबके लिए कि ये प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया। और आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो अभी तक चेक नहीं किया है तो आप उसको भी चेक कर लीजिए, चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे जा कर के। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।